ये भी काफी जोरों से हो रहा है, इस पे गाड़ियां वाड़ियां चलने लगी हैं। मरीन ड्राइव ये वाला पुल, ये इसी ढंग से गाड़ियां चलने वाली है भाई। ये देखो, ये बस ट्रेलर है। अभी इसके गांधी घाट गाय घाट से आओगे पुल के पास से और डायरेक्ट कुर्जी के आगे निकल जाओगे। मरीन ड्राइव को यहाँ से कनेक्ट पुल से नीचे उतर के सीधा कनेक्टिविटी रास्ता पुल को बनाया जा रहा है, बट मरीन ड्राइव को यहाँ पे इस लिंक रोड से कनेक्ट किया जाएगा। एक नंबर सरिया डाला जा रहा है इसके नीचे से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतीक एक बार फिर से आपके साथ में जुड़ चुका हूँ एक नया सा ब्लॉग लेके, और आज हम हैं गंगा घाट के किनारे पटना में, मरीन ड्राइव के पास, NIT घाट के पास। सो ये जगह काफ़ी सुकून भरा है। आप अगर पटना में हैं और काफ़ी डिप्रेस हैं, इस टाइप से कुछ हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस हूँ, तो आज ये जो प्लेस है ना, इस प्लेस पे आ जाइए, गंगा किनारे। ये सामने गंगा नदी है, गंगा किनारे आ जाइए, आपको काफ़ी यहाँ पर जो है सो सुकून मिलने वाला है, और ख़ासकर सुबह के टाइम में तो और ज़्यादा। वैसे अभी सुबह का टाइम नहीं है, अभी 10 बज रहा है, सुबह ही है, बट उतना ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं है। सो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आके आप चिल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। और ये मरीन ड्राइव का जो काम है, ये भी काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है, इस पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलने लगी हैं। एक्चुअली वो वाली गाड़ियाँ नहीं, ये जो बन रहा है पुल, ट्रक वगैरह इसको बनाने के लिए जो सारा कुछ सामान वगैरह लगता है उसके लिए, तो काफ़ी लंबा दूरी तक ये कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो NIT घाट से कंप्लीट हो चुका है, और गाय घाट के आसपास थोड़े पीछे है, बस वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा कुछ दिन में। घाट जो है सो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, और ये कलेक्ट्रेट घाट के पास से स्टार्टिंग होता है, और NIT घाट से भी आगे कुछ दूर तक ये घाट कंटिन्यूसली बना हुआ है। तो अभी गुजर रहा ऊपर से मेरे प्लेन, तो काफ़ी सुंदर सा ये प्लेस है। आप अगर यहाँ पर आते हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, मॉर्निंग वॉक पे खासकर, तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा यहाँ। और बगल में मेरे बन रहा है, देख सकते हो, मरीन ड्राइव ये वाला पुल। एंड वो देखिए मेरे पीछे, वो ऊपर में वो ट्रक आ रहा है इस मरीन ड्राइव से। तो देखिए इसी ढंग से गाड़ियाँ चलने वाली है भाई। ये देखिए जिस तरीके से ये आ रहा है, इसी तरीके से सारा गाड़ियाँ आने वाला है आने वाले टाइम पे। धड़ल्ले से गाड़ियाँ जाएंगी और आएंगी इस ब्रिज पर, क्योंकि अभी तो ये बस ट्रेलर है, अभी इसकी शुरुआत होना बाकी है। पटना में जो जाम की समस्या लगती है, वो जाम की समस्या दूर हो जाएगी। जिस ढंग से ये ट्रक गुजर रहा है, आने वाले दिन में ऐसे ही कई गाड़ियाँ निकलेंगी इस पुल के ऊपर से, और जाम का समस्या कम हो जाएगा पटना में, क्योंकि पटना में जाम तो बहुत ज़्यादा ही लगता है। सीधा आप गांधी घाट गाय घाट से आओगे पुल के पास से, और डायरेक्ट कुर्जी के आगे निकल जाओगे, इस दीघा के आगे निकल जाओगे इस ब्रिज के माध्यम से। एंड वो जो सामने वो जो नाव आ रही है, उस पर लदा है बालू। देखिए बालू आता है कोइलवर साइड से निकलता है, और ये बोट नाव वाव के माध्यम से यहाँ पर पहुँचता है। और ये देखिए एक और एक ट्रक जो है सो कि इसके ब्रिज के ऊपर से, मरीन ड्राइव के ऊपर से निकल रहा है आने वाले टाइम पर। इसी ढंग से कई गाड़ियाँ रफ्तार भरते हुए, इस खूबसूरत से व्यू का नज़ारा उठाते हुए इस गंगा के ऊपर से निकलेंगी। तो ये जो मरीन ड्राइव का ये जो ब्रिज है, ये स्टार्ट होता है दीघा के पास से, और ये सीधा निकलेगा आपको गाय घाट के भी आगे दीदारगंज के पास। तो ये काफ़ी अच्छा लंबा दूरी तय कर लेगा, और मेरी माने तो इस जगह को स्ट्रेस फ्री पॉइंट बना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के आने से स्ट्रेस जो है सो थोड़ा कम हो जाता है। ये जगह ही ऐसा है, क्योंकि आप देख सकते हो अजीब सी और अच्छी सी शांति है यहाँ पर, और इसके पूरे बाउंड्री में, यहाँ से लेके वहाँ तक
जो भी जगह है सब सभी जगहों पे अच्छा सा पेंटिंग बना हुआ। ये देखिए आपको हम सारा पेंटिंग दिखाते हैं। हम अभी चलते चलते आ गए हैं मिश्री घाट के पास, और मिश्री घाट पे आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जो मरीन ड्राइव पुल है ये देखिए, और उसके नीचे भी आप एक पुल देख रहे होंगे छोटा सा, ये पुल यहाँ कनेक्टिविटी किया जा रहा है, मरीन ड्राइव को यहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है। इधर ये इधर से एक रास्ता बनाया जा रहा है जो मरीन ड्राइव को कनेक्ट करेगा, देख सकते हैं आप उधर जाके सीधे। तो अच्छा है कि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रिज इतना लंबा हो जाएगा कि अगर ये बीच बीच में कनेक्टिविटी नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, तो जो लोग गाय घाट के पास चढ़ेंगे उनको सीधा वहीं उतरना पड़ेगा दीघा घाट के पास। तो ये अच्छी बात है कि जिनको PMCH उतरने जाना हो या फिर अदालत घाट जाना हो, उन लोगों के लिए गांधी मैदान जाना हो, उन लोगों के लिए कनेक्टिविटी का रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी लोग उधर से गाय घाट वाले पुल से, गांधी सेतु पुल से आएंगे हाजीपुर साइड से, मुजफ्फरपुर साइड से, तो उन लोगों के लिए ये कनेक्टिविटी बन जाएगी तो ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अशोक राजपथ में तो आप जानते हो कितना ट्रैफिक लगता है। तो ये डायरेक्ट गाय घाट से उतरने के बाद डायरेक्ट जिनको भी इमरजेंसी होगा, PMCH जाना होगा, वो इस कनेक्टिविटी वाले रोड के माध्यम से सीधे वहाँ से उतर के पुल, मरीन ड्राइव के पुल से नीचे उतर के सीधा इधर आके सीधा PMCH पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बनाया जा रहा है कि कम से कम लोग ट्रैफिक से निजात पाएंगे। इधर देखिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पर, काफ़ी क्रेन वगैरह, बुलडोज़र वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए JCB वगैरह। तो इन्हीं सब के माध्यम से यहाँ पर कनेक्टिविटी रास्ता पुल को बनाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। देखिएगा इस काम को तेज़ी करने के लिए JCB वगैरह अपने पूरा लगा हुआ है, इंजीनियर्स एंड जो भी हैं सब लोग अपने काम को पूरे अंजाम देने में लगे हुए हैं। सामने कनेक्टिविटी वाला लिंक रोड बनाया जा रहा है, देख सकते हो इस लिंक रोड को यहाँ, मतलब मरीन ड्राइव को यहाँ पर इस लिंक रोड से कनेक्ट किया जाएगा, इसी का ये रास्ता निकाला जा रहा है अदालत घाट और मिश्री घाट के बीच से, जो कि सीधा PMCH को कनेक्ट करेगा। और अभी आपको दिखाते हैं ये बहुत बड़ा बड़ा सरिया जो है इसके नीचे से। अच्छा है जल्दी जल्दी काम हो तो मरीन ड्राइव जल्दी से चालू हो और उस पर आदमी गाड़ियां को फराटे भरे। ये देखिए ये लंबा लंबा सरिया डाला जा रहा है इसके नीचे से। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पर ये बैठने वाला जगह बनाया हुआ है, गोल गोल दोनों। तो गाइस देखा आप लोगों ने कि कितना खूबसूरत सा ये मरीन ड्राइव के पास में ये घाटों को, पटना के सारे घाटों को अच्छे से बनाया गया है। अभी हम हैं अदालत घाट के पास और यहाँ पर ये खूबसूरती देखने बनती है। देख सकते हो कितना अच्छा पेंटिंग लगा हुआ है, बनाया गया है यहाँ दीवारों पर। तो ये काफ़ी पुराना पेंटिंग हो गया है, बट फिर भी अच्छा खासा रिस्पांस दे रही है अभी तक। तो यहाँ पर आके आप अच्छे से रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो, अगर स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। ये ऐसा जगह है पटना का। और साथ ही साथ मरीन ड्राइव की जो कनेक्टिविटी है देखने के लिए जो मिली है वहाँ पर PMCH के पास में, वो भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एक तरह से। बहुत ही अच्छा बात है कि जल्दी जल्दी पटना में जाम के निजात देने के लिए काफ़ी जल्दी जल्दी काम चल रहा है मरीन ड्राइव पर। सो गाइस आप उम्मीद है कि आई होप कि ये ब्लॉग, आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा इस मरीन ड्राइव का
एंड इस गंगा घाट के किनारे का जितने भी घाट है सबका। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे। चैनल पे अगर नया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भाई काफ़ी गर्मी हो रखी है और गर्मियों में वीडियो बनाना धूप में तो आप जानते ही हो कितना टफ़ काम होता है। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेट कीजिए, एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर मेरी पसंद आती हो तो। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।